आज सबसे पहले 26 मई का ध्यान रखना है। मैं आज सबसे पहले 26 मई की सुबह जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा, सुबह को मैंने फैसला किया कि हम धरना नहीं देंगे। और मैं आज आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने फैसला किया। क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन जिस तरह जवान का समुद्र आया है, उस दिन शाम को आवाम का समुद्र में आना था। और मुझे पता था कि लोगों में गुस्सा था अपनी पुलिस के खिलाफ और रेंजर्स के खिलाफ कि उन्होंने सिर्फ नौजवानों के ऊपर शेलिंग नहीं सिर्फ की, उन्होंने औरतों और बच्चों के ऊपर बेदर्दी से जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, मुझे ये पूरा इल्म था कि उस दिन शाम को इंतजार होना था। उस दिन शाम को पुलिस और रेंजर्स के सामने मेरी कौम ने खड़े हो जाना था। मैंने इसलिए फैसला किया कि ये कौम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, रेंजर्स भी मेरे हैं। मैं अपनी कौम में इंतजार नहीं फैलाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला हूं कि इंपॉर्टेंट हुकूमत ना मंजूर। मेरा मकसद सिर्फ निकले का एक है, एक मुल्क की साजिश के तहत यहां के मीर जाफर और मीर जाफर ने, मीर सादत ने मिलकर इन्होंने साजिश की, एक 22 करोड़ आवाम की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया और उसके बाद इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मैं तो सिर्फ एक वजह से निकला था कि मैं पैगाम देना चाहता था सबको, सारे इदारों को, कि कौम किधर खड़ी है, कौम क्या चाहती है। और इसी सूरत इन डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। मैं तो इसलिए निकला था, मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जनमत में नहीं निकला, मैं अपने मुल्क का नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत सब कान खोल के सुन लो, मुझे पता तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े, तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाए। कान खोल के सुन लो इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आज से सरकारी मुल्क की बीमारी सुन लो, कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।